नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर। इस समय मैं लाइव आपके बता दूं कि उधमपुर के सलन स्याल इलाके से हूं और जहां पर आप देख सकते हैं ये सामने तस्वीरों में कि किस तरह से जहां पर एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसकी तस्वीरें आप सब देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर से बस जो है पत्नीटॉप की तरफ से जो है जम्मू की तरफ से जा रही थी, जहां सलन स्याल इलाके में जो है ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जहां पर जो है पूरी बस की हालत जो है वो किस तरह से जहां पर पूरी दुर्घटनाग्रस्त जो है वो पूरी तरह से बस हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप जम्मू लद्दाख विज़न के माध्यम से जहां पर देख सकते हैं कि बस का नंबर मैं आपको बताने के प्रयास जो है करूंगा। जी, आप देख सकते हैं बस की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हालत में है और जिसका नंबर मैं आपको बता दूं JK02BK5477 है। और जी, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक नेशनल हाईवे से जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जो है बस गिरती है और वहाँ से जो है नीचे जब बस गिरती है तो किस तरह से जहां पर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जी, आप देख सकते हैं जहां पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा जहां पर इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी खस्ता हालत जो है इस बस की चुकी है। और जी, मैं नंबर आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि इसका नंबर है JK02BK5477 गाड़ी का नंबर है। और गनीमत ये रही कि कोई भी जानी माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोग जो हैं वो घायल हैं और जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में पहुंचा दिया गया है। और ये बस आप देख सकते हैं किस तरह से जहां पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये लोग काफ़ी जहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची है, लोग मौके पर पहुँचे हैं। ये उस साइड से बस जो है वो आ रही थी, लेकिन वहाँ से बताया ये जा रहा है कि बस का टायर फटने से जो है बस का बैलेंस जो बिगड़ जाता है और उसके बाद बस उस साइड से इस साइड आती है और जहाँ से सामने जो है इस साइड पे जो बस टकराती है और जहाँ से नीचे की ओर जो है वो गिर जाती है। ये आप टायर की तस्वीरें देख सकते हैं, ये टायर है जिसका जो टायर ये बताया जा रहा है कि एक टायर के फटने से ये जो है इसका एक्सीडेंट देखने को मिलता है। शुक्रिया, जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। आगे की अपडेट के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए।